खबर है मुंबई से सटे ठाणे जिले की, जहां चोरी की ज्वेलरी खरीदने के शक के आधार पर पुलिस द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में जमकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि ठाणे के ब्रह्मांड परिसर में स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चोरी के गहने खरीदने के आरोप में ज्वेलरी शॉप के एक कर्मचारी की पुलिस वालों ने जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने उसे घंटों वैन में बैठाया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई। वहीं हंगामे और मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस वालों द्वारा किए गए हंगामे को लेकर अब ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताते हुए काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही मामले को लेकर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दुकानदारों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। घटना में ऐसा था कि मैं जब सुबह दुकान पे आ रहा था, उसके पहले यहाँ पे कोई चार पांच लोग आ गए थे। कौन था बोला, मेरे स्टाफ को पता नहीं था, बोला पुलिस वाले ऐसा करके उसको बोला, लड़के ने मेरे को फ़ोन किया ये पुलिस वाले, ये ठीक है मैं दो मिनट आ रहा हूँ। तो मैं आने के पहले मेरे स्टाफ एक स्टाफ ने फ़ोन कर दिया था, उसके बाद दूसरा कोई स्टाफ आया, मतलब दूसरा स्टाफ राधेश्याम करके जो है वो स्टाफ दुकान पर आया, तो उसको बातचीत कर रहे थे, उसको गाली गलो चालू किया। उसने बोला साहब माँ का गाली मत दो, सेठ आ रहे जो सर आ रहे जो भी आपको चाहिए बात करना उनसे करो, तो उसे तूने ये लिया लिया, मैंने इसको देखा नहीं है, मैं जानता नहीं हूँ, ये आदमी मेरा परिचित नहीं है। तो उसने ऐसा जवाब दिया तो वो उनको बहुत दिल पे लग गया, क्या मैं बहुत बुरा लगा, ईगो हो गया, हट हो गया उनका ऐसा लगा। तो वो ईगो हट के हिसाब से उसको पकड़ के बेदहली से काउंटर के घसीट के मारते मारते दुकान के बाहर लेके गए और बाहर गाड़ी के अंदर उसको बिठा दिया। और उसके बाद गाड़ी के बिठाने के बाद उसको फ़ोन करके पुलिस वैन मंगाया, पुलिस वैन मंगा के उसको जब तक वो लोग दोपहर में 2 बजे तक मैंने जब कुटे नहीं देखा, तो उसका जो इसने वादा में जिसने जो उनको कोई जिस आदमी को लेके आए थे लड़के को, तो उससे तुम्हारे साथ व्यवहार किया उसका वो तारीख का जब तक पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ तब तक वो लड़के को उनको पुलिस की गाड़ी में बिठा के रखा और मेरे दुकान के बाहर व्यापारियों के सामने ये बहुत इंसल्ट जैसा हुआ।